क्या हुआ? तेरा 200 रुपया हो गया, 2 फोटो खींचा घर आ गया। देखो भाई, ऑल सेट रेडी? ऑल सेट, सुपर। सो ये रूम था हमारा, अभी तो लाइट सामान निकल गया पूरा। एंड सी व्हेन बेला मेट राधे। देखो भाई, कल मजा आया ना अपने को। पता है क्या कल बेस्ट पार्ट क्या हो गया कि हम लोगों ने 900 किलोमीटर कल कर लिया। अच्छा है यार। हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि 800 नहीं, कल 900 किया लोगों ने, और आज 500 करना है, और कल अपने को ना 250 किलोमीटर। हाँ, बहुत ईजी है, स्ट्रेस नहीं है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द राइडिंग, की फर्स्ट डे खींच लो जितना खींचना है। एक्चुअली वैसे ही तो थर्ड डे वाला प्रॉब्लम होता है, 8 घंटा दिखाना, दिखाने के लिए दिखाता है 8 घंटा, बट वो बहुत हाँ टेंशन ही नहीं है। लाइक आई थिंक हम लोग हाँ 5 घंटा है यहाँ से, 500 किलोमीटर है, तो 5.5-6 घंटे मैक्सिमम। कल तो मालूम हम लोग जो मैं और विंसन खींच रहे थे 300 किलोमीटर 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में, लाइक 1 मिनट में 3-3 किलोमीटर खींच रहे थे हम लोग। मैं कहा भाई क्या क्या भाग क्या रही है गाड़ी, लाइक गाड़ी भाग रही है, मीटर भाग रहा है। चलो ऑल सेट एंड नाउ वी लीविंग। अभी खाली लगेज लोड करना है अपने को, एंड देन विल देख रहे हो क्या हो गया। बट आटू गाड़ी पार्क किया था तो फुल हवा था, लेकिन अभी देख रहे हो फुल टायर पंचर है, अपने कुछ तो हुआ है। एंड अभी मैं इसमें हवा भर रहा हूँ, गई भाई यहाँ पर लग गए। बड़ा पंचर तो नहीं होगा, छोटा पंचर होगा, छोटा पंचर है। पानी फेंक के देख, पहला भर। हाँ, मेन स्टैंड पे ले, मेन स्टैंड पे ले, बने दे मेन स्टैंड पे ले इसको। क्या होता है हम कमाने के चक्कर में ना जिंदगी जीना भूल जाते हैं। पेट्रोल लगा दिया। हाँ जी सर, पेट्रोल है। चलो ना सर, अठारह बीस चलाने पे इसका तो 10 देता है। मेरा 22 देता है। मैं और टैंक बनाता है, कैसा क्या देता है भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा कल मैं टैंक फिल करा था और विंसन फिल करा था, उसका 30 लीटर टैंक है, मेरा 20 लीटर का सेम एवरेज। तो भगा रहा है ना आपके एज का है सर? देखो हाँ, फिर फिर आपको भी करना चाहिए। अरे फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम सर, और क्या। चलो सामान पूरा लोड हो गया गाड़ी के ऊपर। थैंक यू सर। देवू हाँ, अभी सुबह सुबह प्रॉब्लम क्या हुआ कि गाड़ी के अंदर पूरा हवा डाउन था, मुझे लग रहा है पंचर है इसके अंदर। सभी आगे जाके पंचर लगवाते हैं, अभी के लिए मैंने हवा भर ली है। देखो 10 रुपये दे। यहाँ से अपना नेक्स्ट, इसके लिए वेट टिश्यू लगेगा आई थिंक। ये तुम सब लेके चलते हो, अरे क्या बात है। सॉलिड काम है, एक नंबर था। ये होता है वर्ल्ड राइड करने का मजा। चले अभी इसमें पंचर लगाना मेरे को,
कैसे भी करके अगर ये वापस से हवा निकल गया तो लग जाएगी। और मेरा क्या आगे वाला टायर का ना TPMS भी काम नहीं कर रहा है। चलो निकल पड़े यहाँ से। ये है होटल ग्रैंड कस्तूरी। अच्छा होटल है, सस्ता भी है। आई थिंक 2000 रुपये में हम लोगों का एक रूम मिल गया था। फर्स्ट टैक्सी कुछ 2200 रुपये हो गया था। नॉट बैड यार। सो देवू भाई ने बोला कि मैं पीछे रहूं और बीच में कैलाश कर रखूँ, बिकॉज कैलाश थोड़ा सा स्लो राइड करता है। अगर मैं और देवू भाई भगाएंगे तो पीछे रह जाता है वो। मेरा पीछे वाला टायर का एक बार देख ला तो कितना मैंने कर रखा था, 35.6, यानी आगे थोड़ा सा बढ़ेगा तो 37-38 तक हो जाएगा। नॉट बैड। तो अभी हम लोग आगे मेन हाईवे के ऊपर। ये जो हमारा होटल है ये थोड़ा सा सिटी के अंदर पड़ता है, लाइक 2-2.5 किलोमीटर ऑफ पड़ता है, बट डिटूर नहीं है। सो ये दिस इज द मेन हाईवे। लाइक वापस घूमना नहीं पड़ता आपको, वहीं से ही लाइक आगे निकल जाओ एंड यू कम ऑन द स्टेट हाईवे अगेन। यहाँ के हाईवे देख के तरह बड़ा अजीब से है। ये क्या सिंगल लेन? दिस इज द मोस्ट स्केरी पार्ट यार। आई हेट सिंगल लेन। कभी भी कुछ भी आता है। ओह, इट्स नॉट सिंगल लेन। अब क्या कर रहा है? अच्छा हाईवे वो है लेन। क्या नाम है बीच में? पीछे पट्टी दिखाने तो लगा कि क्या है ये। अच्छा फास्ट 6 लेन हाईवे। अभी तो रप्पा रप गाड़ी जाएगा अपना। ये जो स्पीड है ना ये मस्त है, लाइक 120-130 इज द बेस्ट क्रूजिंग स्पीड। कल हम लोग क्या पेल रहे थे यार, 190-210। इसीलिए मैं इसलिए रुका कि मुझे लगाने था, ये एयरबड नहीं लगाया था। एयरबड के लिए रुका मैं। और उसके बाद इधर गाने आ गए पूरे रॉक स्टार म्यूजिक और मैं इधर अमित 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 करे जा रहा हूँ। नहीं मैंने वो एयरबड नहीं लगाई थी, मैं कहा जाने वाला फोन का मेरे को। पंचर इसके अंदर। एक मिनट इधर आओ, आपका कैमरा रिकॉर्डिंग है? ये फ्रंट रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? यहाँ पे ना पूरा ब्लर आता है पूरा। हाँ इसके लिए तो मैं रीलोड कर रहा ना। ओके पीछे का टेक बराबर है, पीछे का तो पूरा टेक्निकल काम कर रहा है। और दिखाता है उसके अंदर कितना है। नहीं नहीं है ठीक है। कितना हुआ? 60 रुपये। ठीक पंचर तुमने बता दे पंचर है। क्या बोल रहे हो आप? पंचर तुमने बता रही गाड़ी पंचर हो गई। हाँ बताता है गाड़ी, हवा कम हो जाता है इसमें। या ऑल गुड। रोड के ऊपर गाय वाय ना कभी भी आ जाती है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हाईवे के ऊपर। मेरा फ्यूल रेंज अभी है अच्छा खासा। ये आज चौथा या पांचवा एनकाउंटर गाय का। इस रास्ते के ऊपर गाय बहुत ज्यादा आ रही है। हाईवे का यही है, लाइक गाय वाय कभी भी कहीं से आती है, सो यू हैव टू कीप योर आईज ओपन ऑन इट। सो अभी अपने को लेना है इस हाईवे के ऊपर राइट मार के, ये स्ट्रेट जाएगा तो जाएगा ग्वालियर। यार ये बड़ा पंगा है इस KTM 390 का, इसके लाइटें से ब्लिंक करती रहती है ना, बड़ा अजीब लगता है।
देख रहे हो गाय भैंस, आज सुबह से ये इनकाउंटर हो रहा है। बस अभी अपना 1,20,000 किलोमीटर ऑफिशियली हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया, देखा नहीं मैंने। एंड ये इंडियाज फर्स्ट जीएस रैली है जिसका 1,20,000 किलोमीटर हो गया है। कहीं से भी आता है यहाँ पे, ओके ब्रेकफास्ट के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे, जरूरी है यार। मेरे को ऐसे बहुत जोर से भूख लगा था, थैंक गॉड देव है रोक लिया यहाँ पे। चल 100 रुपया दे, फोटो खींचा फोटो खींचा 100 रुपया कलेक्शन करना भाई राइड की। तुम पैसे देते रहो, हम फोटो भेजते रहे। हाँ बस पैसे देते रहो, फोटो खींचा दे। ऐसा ही नहीं यार, इनके काम। अरे कहीं से तो बाइक का पैसा वसूल ना यार, तेरा 200 रुपया हो गया, 2 फोटो खींचा। कीमत कर रहा है बाहर वाले को 500 रुपया एक फोटो खींचाने का, दुकान वाले को डिस्काउंट दिया हूँ मैं। हाँ तो उधर नहीं, ये दुकान वाले को डिस्काउंट है, 500 रुपया देने का फोटो खींचने का। चलो यहाँ पे रुके थे एक चाय ब्रेक के लिए। अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, टेम्परेचर देखो 38 डिग्री सेल्सियस हो गया है। एंड मैंने पहन के रखा है गोटेक्स। आप लोगों का अच्छा है, कुछ पहना नहीं है ना, लग गए मेरी फट रही है अभी गर्मी। 38 डिग्री सेल्सियस पूरा लग यू नो झुलस रहा हूँ आग के अंदर। देबू भाई का मस्त है, उन्होंने क्या किया है ना, अपना बॉडी आर्मर के ऊपर टी शर्ट पहन लिया है। अंदर बॉडी आर्मर लाइक फुल्ली वेंटिलेटेड होता है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, मस्त सेटअप है। अरे कुछ नहीं, मैं फ़ोन भूल गया था, लग रहा कि मैं तो फ़ोन का गायब हो गया। थैंक गॉड जेब में था, और जेब मैंने बंद नहीं किया था तो गिरा नहीं, थैंक गॉड। आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, लखनऊ जहाँ से हम गुना रुके थे वहाँ से कुछ 5-10 किलोमीटर था। वी हैव कवर ऑलमोस्ट लाइक 240 किलोमीटर सो फार। टाइम हुआ है 10:09 and we aiming by 2 o'clock we should be in Lucknow. let's see. Debu bhai to bol rahe ke chhod Lucknow ko seedha Gorakhpur nikalte hain, so Lucknow 500 km hai, Gorakhpur 800 km hai. maine kaha Debu bhai abhi hotel book kar diya hai, kai ko leave it, so dekhte hain, batayenge aadhe ghante ghante mein ki kya decide kar rahe hain hum log, Gorakhpur nikal rakh liye ya fir Lucknow. kya bol rahe, कितना सीसी इंजन है? 1200 एवरेज कितने को दे चुके हैं? 15-16 हाँ 20 के आसपास, 20-22 हाँ। नेपाल जा रहे हैं, नेपाल क्या हुआ? अरे देख रहा था जान लेगा क्या लेने के चक्कर में। अरे क्या देखो, आराम से आराम से हो गया क्या हुआ? क्या हुआ क्या दबाया तेरे को? हाँ थोड़ा देख के चलाओ यार, थोड़ा सा देख के रखो यार।
रोड पे चलो देखे चलाओ, ऐसा नहीं कि दबा रहे हो कुछ कर रहे हो, मतलब क्या है गाड़ी निहारने के चक्कर में भैन से कुछ भी करेंगे। अरे देखो मना थोड़ी देखने के लिए। हाँ क्या डिसाइड किया, लखनऊ या फिर गोरखपुर? गोरखपुर इजी होता है, आम ओके विद एवरीथिंग। मेरा वही कि इन सबका बुकिंग मेरे नाम पे है। मेरी फट नहीं रही है, मैं आम ओके विद दैट। मुझे तो क्या पड़ने, 800 किलोमीटर वैसे कर लेता हूँ मैं, कल भी 900 किया ना, प्रॉब्लम नहीं करना है, कर सकते हैं। तो उनको बुकिंग चेंज कर दो, क्या करूँ उनको, क्योंकि चार रूम का वो क्या कैंसिल करेगा तो फिर वो लाइक वो सिक्का दो, सिक्का किसके पास है? अरे क्या बात है, ये इधर ही है दोनों हेड और टेल। ये हेड है, चलो हाँ गोरखपुर है, चलो गोरखपुर चलते फिर। उन लोग को जान देना, एक रूम कैंसिल कर दो, एक नहीं फिर हाँ मैं एक रूम कैंसिल कर दो चलेगा। विंसेंट को ना, हाँ बोल दो कि तू चेक इन कर ले, तू तीन रूम का चेक इन कर, दो रूम एक रूम का मत करना। बोल के तो देख, कह तो चल यार, अपन अपना पूरा बचा हो जाएगा। हाँ चलो निकलते हैं भाई, लखनऊ चलते हैं, और वैसे भी कल आराम से राइड करें, क्या खाई है, और आज भी इतना बोला टेंशन नहीं होगा, चलेगा ठीक है। सो डिसाइड हो गया जी, लखनऊ। चलो, अरे वो पिटता था देवू भाई से वो गाड़ी वाला। देवू भाई का पारा एकदम गर्म होता है, क्या बोल रहे हो? इसका एवरेज सर 20-22 का है, 20-22। लोगों के दो ही सवाल होते हैं, कितना कितने की और कितना देती है। आजकल मोस्टली ये लोग पूछते हैं कितना देती है। निदीप एंड निशु भाई यहीं कहीं वेट कर रहे हैं, ढाबे का नाम तो बोला था उन्होंने, 148 ढाबे का नाम है, वहाँ पर हो गए। विंसेंट भी साथ में ही है, कैसा भाई? एक नंबर। अरे क्या करूं मैं, सुबह सुबह उठ गया मैं, अभी उठने तो क्या करूं मैं, कैसे फर्स्ट क्लास भाई, बाकी पब्लिक एक घंटा बाद निकला फिर भी देखा तो तूने ओवरटेक किया लोगों को, तूने रोका नहीं, तू बोला भी जहाँ पे ट्रक थे ना दुनिया भर के, अरे वो ब्रेक करते तुम लोग क्या कर रहे थे? ब्रेकफास्ट। अच्छा, हमें चाय पाए पी रहे थे, ब्रेकफास्ट तो नहीं किया। उन्होंने देखा मेरे को निकलते हुए? हाँ, तेरी आवाज में आ रहा, तेरे को फोन भी किया। एक घंटा बाद निकला तुम लोग के और पंचर हुआ यार, तेरा होना ही है पंचर तो। अरे बाबा कल का वहाँ पे जम करता है तो होना ही है पंचर। अरे कल रात को पता नहीं गाड़ी पार्क किया, सुबह लेने गया तो पंचर था उसके अंदर। ये रट में चलाता है ना, इसके पंचर होना ही है। अब तो मैं पकता रोड के ऊपर क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। मैं कल भी तेरे को बोलने वाला था कि रट पे मत चला, पंचर हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। बट रात को हुआ ये, रात को गाड़ी कल मतलब कल हो चुका, कल हो चुका होगा शायद। अरे तो तुम लोग के लिए ना मतलब कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया तो इसने तो सैंडविच दबाया था, सैंडविच दबाया इसमें जिंदा है। मेरे तो चाय भी नहीं थी, पानी पे सवाई पर मैं तो वहाँ चाय पिया मस्त, हम दो तीन चाय मार, क्या बोलता है चाय में कौन ही नाटक कर रहा है, चाय में के हो गया है एंड सारे राइडर्स मिल गए हैं आज।
आई थिंक दो लोग और हैं जो आने वाले लखनऊ, एक चावड़े और एक नवतेज, बाकी छः लोग हम लोग पाँच लोग हैं नहीं छः लोग यहाँ पर हैं, दो टोटल आठ, बाकी तीन लोग मिलेंगे अपने को गोरखपुर में। फाइनली पहुँच गए लखनऊ जी, दिस रमाड़ा। ये कौन पहुंच गया मुझे पहले, आई थिंक नवतेज होगा। क्या हुआ, कहां पार करना है? ये लोग कहां रह गए यार, पीछे कम हो गया। अरे मैं इसलिए रुका था उसके लिए, क्या नाम है, वो लोग कहां रह गए? वो लोगों को भी टाइम लगेगा, मतलब वो मिलते मिलते आए ना अभी। हम लोग कहां 120 आए रे, 120 आए हम लोग ना, ट्रैफिक भी इतना था ना, 120, 130 चल। चलो पहुंच गए, लगेगा ना ही छोटा लगा, लाइक मुझे लगा ये रमाड़ा इतनी बड़ी होटल ही बनाता है जिम्मी लोग, आई थिंक ये बिगेस्ट रमाड़ा होटल आया है सीन। नाइस, हम लोग अपना होटल पहुंच गए हैं। लेट मी शो यू गाइस द रूम कैसा है हमारा। सो दिस इज द रूम, एंड आते ही पूरा रूम मैसी हो गया। दिस इज आवर स्मॉल थिंग, दैट्स विंसेंट बेड, दैट्स माय बेड। तो अभी टाइम आ गया इस पिलो को यहीं पे एंड करने का, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो इन द मॉर्निंग। दैट्स इट गाइस, आप लोगों वाले में ड्रिल किया है अभी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो आजकल कैसे लगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड नाइट, सबाकर। Thank you.